माँ, ये कुछ कम नहीं है? तुझे तो कम ही लगेगा, इतना पसंद जो है ये अचार। याद है यहाँ से पहले जब अक्षरा से मिलने आती थी, ये दोनों सहेलियां छत पे बैठ के गाजर मूली का पूरा अचार खत्म कर देती थी। सच में पता है, ये अचार और आपके हाथों का परांठा, बस फिर कुछ और नहीं चाहिए होता था। अरे यही दिन तो होते हैं लड़कपन के, जब याद आते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। माँ, हम ये अचार थोड़ा खट्टा और तीखा ज्यादा बनाएंगे, उसे बहुत पसंद है। हाँ बेटा, सोच रही हूँ अचार देने के बहाने एक बार अक्षरा से मिलाऊं, देख लूंगी अपनी बच्ची को और पूछ भी लूंगी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो। अक्षरा खुद तो कुछ बताएगी नहीं। इस मकान मालिक की जुबान का तो कोई भरोसा ही नहीं है। पहले हमें 10 दिन का समय दिया और अब कह रहा है कि सारे पैसे अभी दो। बाबूजी जाने दीजिए, पैसे तो देने ही थे, आज नहीं तो कल। लेकिन मुन्ना, इतनी जल्दी इतने पैसों का प्रबंध कैसे हो गए हो? जी वो मुंबई में जो फॉरेनर क्लाइंट से मीटिंग हुई थी ना, तो शुरुआत में उनसे ये बात हो गई थी कि अगर उन्हें प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा तो वो कुछ एडवांस भेज देंगे, तो ये वही पैसे। इस बारे में तन्ने मारे को पहले क्यों ना बताया? चलो ठीक है, जाने दो। शायद एजेंट होगा, मैं उससे बाहर ही बात करता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग उसकी शक्ल भी देखें। तेरा सर्दी और जुखाम तो अब तक कम ही नहीं हुआ, ऐसे बीमार पड़ेगा तो परीक्षा की तैयारी कैसे करेगा? छोटी बहू, इसे च्यवनप्राश दिया करो, ये जो बार बार की सर्दी हो जाती है ना, नहीं होगी। शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी, बढ़ता बच्चा है, इसके लिए जरूरी है। हाँ माँ, मैंने मंगा के रखा है च्यवनप्राश। वर्षा, जा बेटा जरा रसोई से ले तो आ। जी माँ। आपने जब पहले कहा था ना, तभी मंगा लिया था। ये लो अंश। ये मैं ये सब नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। अंशु, एक चम्मच बस टेस्ट करो, बहुत टेस्टी है। ये बहुत ही टेस्टी है, मैं हर रोज एक चम्मच खाऊंगा। मैं चेक करता हूँ। अभी तक तो लाइट भी नहीं आई, कुछ दिख भी नहीं रहा है ठीक से, क्या करें नैतिक? कमरा भी तो ठीक करना, इतना अंधेरा है। लाइट आ गई, ये हमारा कमरा। हाँ नैतिक, हमारा कमरा। पता नहीं कब से बंद पड़ा है, लेकिन नैतिक बहुत क्यूट है, एकदम कॉटेज जैसा। आप वही देख रही हैं ना जो मैं देख रहा हूँ? आपको पता है मैं क्या देख रही हूँ? आइए बताती हूँ। लेना बेटा। नहीं माँ, बाबूजी दादाजी आ जाएं, सब साथ में खाएंगे। बढ़िया सुगंध आ रही है, हमारे से रहा नहीं जा रहा है। अरे जलेबी कैसे आ गई? जी बहू का सुबह सुबह मन हुआ तो मुन्ना पास की दुकान से जाकर ले आया। मुन्ना बेटा, ये बड़ा अच्छा किया तुमने, वैसे जलेबी खाने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, क्योंकि आज घर बिल्कुल रोशन और अच्छा लग रहा है। जी आज सुबह सुबह सारे काम निपट गए ना, इसलिए।
अरे भाई, इस जलेबी का स्वाद तो हमारे पुराने घर के बगल में रामजी हलवाई था ना, उसके जलेबी जैसा है।